स्पीड को पूरी तरह से तेज कर देगी। बढ़ने जा रहा हूं काउंटडाउन की ओर। बात है यार, मैं चार्ज अप हो गया हूँ, आप भी चार्ज अप हो गए हैं, और उसी चार्ज अप के साथ दो लाइनें यहाँ पर किसी ने कमेंट्स में लिखकर भेजी हैं, वो मैं आपको बता देता हूँ, मुझे बहुत अच्छी लगी हैं। उसमें उन्होंने अर्ज ये किया है कि मुस्कुराकर सेल्फी लेना मजबूरी हो गया है। गौर कीजिए कि मुस्कुराकर सेल्फी लेना मजबूरी हो गया है, खुश दिखाई देना खुश रहने से भी ज्यादा जरूरी हो गया है। भाई बहुत गहराई है और ये सच्चाई है। अच्छा यार, लड़कियां भी काफी काफी अक्सर मैं जाता हूँ इधर उधर तो दिखती हैं, और ये देखो वैसे तो ऐसे ऐसे सीधी चलती रहती हैं यूं, लेकिन जब स्माइल की बात आती है तो ऐसी मीठी सी मुस्कान देती है भाई, दिल खींच लेती है यार। हाँ ओके, ऑल राइट, आगे कुछ भाई साहब हैं, अनमोल कुछ लिख कर भेज रहे हैं। हेलो हेलो अनमोल, कैसे हैं आप? संतोष गिरी जी बैन कर दिए गए। संतोष तुम ऐसा का किए संतोष, जो तो का बाहर किया गया संतोष, हम तो का पूछत रही। सत्य प्रकाश जी ने कुछ लिख के भेजे, सानू समझ नहीं आया कि गल पंजाबी लिखे तो सीध के छे भी लिखे। सनी यादव ने कहा है बियर्ड लुक्स सूट्स यू। सनी भाई इसका श्रेय भी उस मेरे उसी दोस्त को जाता है जिसका श्रेय हेयर स्टाइल को जाता है। देखो कुछ दोस्त आते हैं आपकी जिंदगी में जो आपकी जिंदगी को पूरी तरह से बदल के रख देते हैं, ऐसे दोस्तों के साथ हमेशा बने रहना चाहिए। क्योंकि सिकंदर के गुरु ने एक बात कही थी सिकंदर को कि दो दोस्त जब मिलते हैं, जब दो दोस्त मिलते हैं एक दूसरे की हौसला अफजाई करते हैं वो इतिहास रचते हैं। और ये बात बिल्कुल सच्ची है, ये बात कोई सिर्फ आदर्शवादी बात नहीं है, इसे अप्लाई करके देखिएगा अपनी जिंदगी में, यकीनन आपको मेरी इस बात पर यकीन हो जाएगा। अब थोड़ी ही देर में इस गेम शो को हम शुरू करने वाले हैं, बस थोड़ा सा इंतजार आएगी बाहर, साथ में है कुमार, क्योंकि ये है IQ into INR। ऑल राइट, माइसेल्फ नवाज, हाय नवाज जी कैसे हैं आप? यशु कुनार ने कहा मैं तो नाचूंगा। यार बिल्कुल यार, तुम्हारे साथ मैं भी नाचूंगा, बिल्कुल बिल्कुल। कोई नाचने भी आना चाहे, कोई हुस्न की देवी वो भी आ सकती है। आज का हिंट क्या है? हिंट तो भाई साहब बता चुके हैं। यशु भाई बिल्कुल अच्छे से नाचो तुम। प्ले गेम, हाँ यार हो तो रहे हैं गेम। आकाश भाई स्टार्ट, यार स्टार्ट तो मैं हो चुका हूँ, मैं तो सुबह उठते स्टार्ट हो जाता हूँ और ऑफ ही नहीं हो पाता हूँ। एक बड़ी बड़ी दिक्कत है, ऑफ ही हो पाता हूँ। एक्चुअली एनर्जी जब इतनी आ जाती है तो ऑफ होना मुश्किल हो जाता है। और जिंदगी में अगर आपको कभी भी कुछ भी पाना हो, कुछ भी जीतना हो, कुछ भी करना हो, तो अपने अंदर की एनर्जी को एक्टिवेट कर लीजिए, अपने माइंड में अच्छे अच्छे थॉट्स को डालिए। क्योंकि ये कहा जाता है कि गार्बेज इन तो गार्बेज आउट, तो अच्छे अच्छे पॉजिटिव थॉट्स को अपने माइंड में रखिए, तभी आप बेटर रिजल्ट्स अपनी जिंदगी में दे पाएंगे, पा सकेंगे, और अच्छे अच्छे रिजल्ट्स सभी को नाप के नजर भी आएंगे। हम आ गए आकाश, बिल्कुल बिल्कुल आपका वेलकम है। कौन आया, मैं नाम नहीं पढ़ पाया हूँ। अच्छा बोलिए काका, बोलिए काका, ठीक बा काका। बादशाह ने कहा है सब्र नहीं हो रहा। यार बादशाह को पता है कितना सब्र रखना पड़ता है, पड़ोसी राज्यों से पंगे लेने पड़ते हैं, जीतना पड़ता है, घोड़ा दौड़ाना पड़ता है, तलवार निकालनी पड़ती है, तुमसे इतना भी सब्र नहीं हो रहा, कहा है कि बादशाह यार। खैर कोई बात नहीं बादशाह भाई हो तुम मेरे, धीरे धीरे सब सही हो जाएगा। हिंट प्लीज भाई साहब, हिंट दे चुका हूँ यार, हिंट दे चुका हूँ। ऑल राइट आंसर बताओ यार, ये नया बंदा आ गया भाई, भाई क्या तो बताऊं मैं आंसर यार, यूं नहीं कराया करते भाई, आंसर लिखो ना करते। यशु शाद, हेलो काश, हाँ जी बिल्कुल हेलो। अब मैं नहीं नाचूंगा, क्यों यार क्या हुआ? अभी तो नाचने का टाइम है यार, अभी तो जवानी है, 20 की उम्र का जो है खेल 60 में खेल कर होगा क्या, इसलिए जितना नाचना है नाच लो, जितना उछाल जिंदगी में लेके आना ले आओ, जितना दबाव लेके आना ले आओ, बस जिंदगी को जी लो यार, बस आज है जिंदगी और कल नहीं है, हो जाओ तैयार। अब आने जा रहा है पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर। Who played the main role in movie खिलाड़ियों का खिलाड़ी? Your options are अक्षय कुमार, ऋतिक रोशन या फिर संजय दत्त। खिलाड़ियों का खिलाड़ी जो फिल्म थी उसमें मुख्य भूमिका किसने निभाई थी? इन अभिनेताओं के नाम हैं अक्षय कुमार, ऋतिक रोशन या फिर संजय दत्त। आसान सा सवाल, बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, इससे अति आसान सवाल और कोई हो नहीं सकता है। और आज हम उनके लिए भी रुकेंगे जिन्होंने एक्स्ट्रा कुछ सेकंड्स का टाइम मांगा है अपनी लाइफ लाइन के तौर पर। आपको ये भी बता दें कि बहुत अच्छी ये फिल्म थी, 2000
पांच में कभी आई थी और बड़ी जानदार बड़ी झकास मूवी थी, बड़ा मजा आता था। समय समाप्त होता है, अक्षय कुमार इसका सही जवाब है। खिलाड़ी तो अक्षय कुमार ही है भाई, और कौन है। 2990 लोगों ने सही जवाब दिया, 78 रिवाइव कार्ड इस्तेमाल हुए और 404 लोग गलत साबित हुए। गलत जवाब दिया 404 लोगों ने, क्या बात, खिलाड़ी को नहीं जानते। एनीवे अगली बार आप जीतिएगा, अगले वीकेंड पर आपसे हम मिलेंगे, तब आपको और अच्छे से खेलने का मौका मिलेगा। अब मैं बढ़ने जा रहा हूं द्वितीय प्रश्न की ओर। व्हाट इज द कैपिटल ऑफ यूनाइटेड अरब अमीरात? योर ऑप्शंस आर अजमान, अबू धाबी, दुबई। यानी कि यूनाइटेड अरब अमीरात की जो राजधानी है वो कौन सी है? अजमान भी हो सकती है, अबू धाबी भी हो सकती है और दुबई भी हो सकती है। बहुत ही इजी है ये भी, आप अपनी लाइफलाइन को यूज़ करना मत भूलिएगा। आप एक्स्ट्रा कुछ सेकंड्स भी ले सकते हैं, आप गलत ऑप्शन को भी हटा सकते हैं या फिर आप हिंट भी देख सकते हैं। अच्छा, आप हिंट लेंगे तो आपको फ़ायदा होगा, ये मेरी पर्सनल आपको सलाह है। बाकी हाँ, कुछ भी यूज करना चाहे तो आप कर सकते हैं। वैसे तो हर तीनों ही जो लाइफलाइन है अपने आप में बड़ी खास है। चलिए, आपका समय समाप्त होता है। अबू धाबी इसका सही जवाब उत्तर है। 2378 लोगों ने सही जवाब दिया, 223 रिवाइव कार्ड इस्तेमाल हुए और 578 लोग गलत साबित हुए। यार मतलब कि यूएई, यूनाइटेड अरब अमीरात, इतना अच्छा जगह है, अबू धाबी वहाँ की है। और अबू धाबी का मतलब आप समझते हैं, धाबी एक अरबिक वर्ड है जो कि स्पीशीज नेटिव गैजेले उसका एक ये कहा जाता है, उससे जुड़ा हुआ शब्द है धाबी। और अबू यानी कि फादर यानी कि पिता, तो अबू धाबी इस तरह से ये नाम पड़ा है। बड़ी ही सुंदर बड़ी ही शानदार जगह है, आप कभी घूमने जाएं तो जाइएगा और आपका अनुभव कैसा रहा वहां से लौट कर आइएगा, कमेंट्स में मुझे बताइएगा। बढ़ता हूँ आज के तृतीय प्रश्न की ओर। प्रोफेसर अमर्त्य सेन रिसीव्ड द नोबेल प्राइज इन विच फील्ड? योर ऑप्शंस आर लिटरेचर, इलेक्ट्रॉनिक्स या फिर वेलफेयर इकोनॉमिक्स। लिटरेचर, इलेक्ट्रॉनिक्स या फिर वेलफेयर इकोनॉमिक्स। प्रोफेसर अमर्त्य सेन रिसीव्ड द नोबेल प्राइज इन विच फील्ड, यानी कि किस क्षेत्र में अमर्त्य सेन को नोबेल प्राइज मिला था? भाई साहब, अमर्त्य सेन इतनी बड़ी हस्ती, नोबेल प्राइज भी जिन्होंने जीता, भारत रत्न भी जिन्हें मिला, उनसे जुड़ा हुआ सवाल है और इससे इजी नहीं हो सकता, इससे अच्छा क्वेश्चन नहीं हो सकता और उनके बारे में तो आपको पता होना ही चाहिए। चलिए, समय समाप्त होता है। वेलफेयर इकोनॉमिक्स इसका सही उत्तर है। 1998 लोगों ने सही जवाब दिया और 218 लोगों ने रिवाइव कार्ड इस्तेमाल किया, 519 लोग गलत साबित हुए। अमर्त्य सेन इतनी बड़ी हस्ती और उसके बारे में 519 लोग नहीं जानते हैं, लेकिन अब जान गए होंगे उम्मीद है, क्योंकि ये गेम ही कुछ ऐसा है कि आप जान जाते हैं। बढ़ता हूं फोर्थ क्वेश्चन की ओर। विच ऑफ द फॉलोइंग म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट इज प्लेड बाय अमजद अली खान? योर ऑप्शन आर वीणा, तबला, सरोद। वीणा, तबला, सरोद। अमजद अली खान किस चीज को, यानी कि ऐसा कौन सा यंत्र है, वाद्य यंत्र जिसे कहा जा सकता है, उसे बजाते हैं या उसके साथ खेलते हैं या उसके जरिए अपनी कला का प्रदर्शन करते हैं? इससे ज्यादा हिंदी में क्या बताऊं यार। चलिए, अब हम रुकेंगे उन लोगों के लिए जिन्होंने एक्स्ट्रा कुछ सेकंड्स लिए हैं अपनी लाइफलाइन के तौर पर। हालांकि आज आप इन क्वेश्चंस में अपनी तीन लाइफलाइन का इस्तेमाल कर सकते हैं, बहुत ही आसान आज का पूरा गेम शो है। समय समाप्त होता है। सरोद इसका सही उत्तर है। 1696 लोगों ने सही जवाब दिया, 152 लोगों ने रिवाइव कार्ड इस्तेमाल किया और 477 लोग गलत साबित हुए। अमजद अली खान पद्मश्री मिला, इंडियन क्लासिकल सरोद प्लेयर हैं, हिंदुस्तान के बहुत बड़े जाने माने, बड़ी बड़ी हस्ती हैं, उनके बारे में पता होना चाहिए। पढ़ता हूं आज के पांचवें सवाल की ओर। एक्ट्रेस ग्रेटा गार्बो वाज बोर्न इन? योर ऑप्शंस आर स्वीडन, मेलमो, विस्बी। एक्ट्रेस ग्रेटा गार्बो, यानी कि ग्रेटा गार्बो जो अभिनेत्री थी वो कहां पैदा हुई थी? स्वीडन, मेलमो, विस्बी। 1905 में उनका जन्म हुआ था, ठीक है। ग्लैमर की जिन्हें देवी तक कह दिया गया, उनके बारे में एक बहुत ही खास लाइन कही जाती थी कि शी हैज अ ग्लैमर एंड फैसिनेशन फॉर बोथ सेक्सेस व्हिच हैव नेवर बीन इक्वल्ड ऑन द स्क्रीन। अब आप समझ सकते हैं इतनी गहरी लाइन जिस अभिनेत्री के बारे में कह दी गई हो कितनी खूबसूरत रही होगी। समय समाप्त होता है। स्वीडन में पैदा हुई थी। स्वीडन इसका सही उत्तर है। 1366 लोगों ने सही जवाब दिया, 117 लोगों ने रिवाइव कार्ड का इस्तेमाल किया और 438 लोग गलत साबित हुए। एनीवे, बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। What is the name of Central Bank of India? Your options are SBI, RBI, PNB. यानी कि इंडिया का जो सेंट्रल बैंक है उसका नाम क्या है? SBI यानी कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, RBI यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया या फिर PNB पंजाब नेशनल बैंक। बस इससे इजी कुछ नहीं हो सकता यार, इससे इजी कुछ नहीं हो सकता, बस और मैं क्या कहूँ। अच्छा हाँ, तीन लाइफलाइन मिल रही है, आप उसका यूज कर सकते हैं। गलत क्वेश्चन को भी आप हटा सकते हैं, लेकिन खेलने से पहले आपको पहले ही अपनी जो
पसंद है वो डालनी होगी। समय समाप्त होता है, आरबीआई इसका सही उत्तर है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यार बता भी दिया यार, फिर भी है 1215 लोग सही साबित हुए, 239 लोग गलत साबित हुए। शायद गेम शो को देख नहीं रहे थे या सुन नहीं रहे थे, ध्यान कहीं और था। एनीवे बढ़ता हूं अगले सवाल की ओर। विच एक्टर प्लेड द रोल ऑफ भल्लदेवा इन फिल्म बाहुबली? आहा, योर ऑप्शंस आर नासिर, राणा जग्गुपति या फिर सत्यराज। बाहुबली फिल्म है, अच्छी ब्लॉकबस्टर फिल्म साबित हुई थी। भल्लदेवा का रोल किसने किया, नासिर, राणा जग्गुपति या फिर सत्यराज? इजी सवाल है, आसान सा सवाल है। ये फिल्म आप सभी ने देखी होगी, मैंने तो भाई बहुत देखी थी और मजा आया था स्क्रीन पे। देखो ऐसी ऐसी फिल्म स्क्रीन पे देखने में बड़ा मजा आता है। और खास बात ये भी कि अक्सर जो पायरेसी होती है फिल्म को लेकर, उस पर भी रोकथाम लगनी चाहिए, ऐसा भी हमें ख्याल रखना चाहिए। समय समाप्त होता है, राणू दग्गुपति इसका सही उत्तर है। 1168 लोग सही साबित हुए, 28 रिवाइव कार्ड इस्तेमाल हुए और 78 लोग गलत साबित हुए। खैर ये कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, अगली बार आप जीतेंगे, जरूर जीतेंगे। और अब मैं बढ़ने जा रहा हूं उस 8वें सवाल की ओर, जिसका हिंट आपको पहले से ही दे दिया गया था। विच कंट्री होस्टेड द 2018 IBSA फॉरेन मिनिस्टर्स मीटिंग? योर ऑप्शंस आर इंडिया, ब्राजील, साउथ अफ्रीका। यानी कि IBSA 2018 विदेश मंत्रियों की जो बैठक थी वो किस देश में आयोजित की गई? आपके विकल्प हैं भारत, ब्राजील या फिर दक्षिण अफ्रीका। समय समाप्त होने ही वाला है, लेकिन हम कुछ देर के लिए रुकेंगे क्योंकि आज मेगा बम्पर शो है। हम एक्स्ट्रा आपको कुछ सेकंड्स देते हैं जो उसे चूज करते हैं। 3 लाइफलाइन मिलती है, किसी एक को आपको चूज करना होता है जिससे आपके लिए इस सवाल का जवाब देना आसान हो जाता है। समय समाप्त होता है, साउथ अफ्रीका सही उत्तर है, 891 लोग सही साबित हुए, ये हमारे साथ आगे बढ़ेंगे। 159 रिवाइव कार्ड इस्तेमाल हुए और 285 लोग गलत साबित हुए। भाई साहब IBSA एक डायलॉग फोरम है, इंडिया, ब्राजील और साउथ अफ्रीका के साथ इसे मिलाकर बनाया गया है। चलिए बढ़ते हैं उस सवाल की ओर जो कि पहले ही आपको हमारे मीम लाइव इंडिया पेज पर बता दिया गया था। विच एथनिक इंडियन लॉयर हैज बीन अपॉइंटेड एज न्यू अटर्नी जनरल ऑफ मलेशिया? योर ऑप्शंस आर ब्रेंडन परेरिया, टॉमी थॉमस या फिर आर थिल्लनाथन। आह, नाम भी बड़े अलग से हैं। यानी कि न्यू अटर्नी जनरल ऑफ मलेशिया, मलेशिया का न्यू अटर्नी जनरल किसे बनाया गया है जो कि एक भारतीय वकील है? बहुत अच्छा सवाल है। तो आपको ऑप्शंस बता दिए गए हैं और हम कुछ देर के लिए रुक रहे हैं जिन्होंने एक्स्ट्रा टाइम मांगा है। आप इसमें से एक गलत उत्तर हटा भी सकते हैं अपनी लाइफलाइन का इस्तेमाल करते हुए, या फिर आप हिंट का भी यूज कर सकते हैं। इतना सब कुछ आपके लिए देते हैं, इतना सब कुछ ख्याल रखते हैं, फिर तो जीतो भाई। टॉमी थॉमस इसका सही जवाब है, 982 लोगों ने सही उत्तर दिया, 29 रिवाइव कार्ड इस्तेमाल हुए और 57 लोग गलत साबित हुए। भाई साहब आपको बता देता हूँ, अटॉर्नी जनरल पहली बात क्या चीज़ होती है। देखो हम सभी को कभी ना कभी किसी लीगल असिस्टेंस की जरूरत पड़ती है, ऐसे ही सरकार को भी पड़ती है। तो प्रिंसिपल लीगल एडवाइजर जो गवर्नमेंट का होता है उसे अटॉर्नी जनरल कहा जाता है। बढ़ता हूं आज के 10 नंबरी सवाल की ओर। हु फाउंडेड द रामकृष्ण मिशन टू कैरी ऑन ह्यूमैनिटेरियन रिलीफ एंड सोशल वर्क? योर ऑप्शंस आर रामकृष्ण परमहंस, स्वामी दयानंद सरस्वती, स्वामी विवेकानंद। बहुत ही दिल को छू ले देने वाला सवाल। यानी कि रामकृष्ण मिशन की जो स्थापना भी कह सकते हैं, ह्यूमैनिटेरियन यानी कि मानवता की भलाई के लिए, उसे कैरी किसने किया, उसकी स्थापना किसी, कौन इसे आगे लेकर चला? और आपको बता दिया गया है रामकृष्ण परमहंस भी हो सकते हैं, स्वामी दयानंद भी हो सकते हैं, फिर स्वामी विवेकानंद भी हो सकते हैं। समय समाप्त होता है, स्वामी विवेकानंद इसका सही उत्तर है। 568 लोग सही साबित हुए, 361 रिवाइव कार्ड इस्तेमाल हुए और 427 लोग गलत साबित हुए। स्वामी विवेकानंद एक ऐसा नाम जिन्होंने बरसों पहले, बल्कि आज से शायद 100 साल पहले, 100 से भी ऊपर, शिकागो में गए थे। और शिकागो में जाने के बाद में उन्होंने जो हिंदुस्तान किया, जो परिचय कराया बाहर के लोगों के साथ में, वो यकीनन दिलचस्प था। आप जरूर पढ़िएगा स्वामी विवेकानंद के बारे में, आपकी जिंदगी बदल जाएगी। बढ़ता हूं अगले सवाल की ओर। विच अमंग द फॉलोइंग वाइसरॉयज वाज एसोसिएटेड विद द अल्बर्ट बिल कंट्रोवर्सी? क्या बात है, कंट्रोवर्सी ही इस सवाल में। लॉर्ड रिबन, लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड लिप्टन। यानी कि जो वायसराय थे उस वक्त में, अल्बर्ट बिल कंट्रोवर्सी के साथ जुड़े हुए कौन थे? यानी कि ये कोई कंट्रोवर्सी नहीं थी लेकिन एक तरह का सुधार था, तो वो किसका था, किसने किया था? लॉर्ड रिबन भी हो सकते हैं, लॉर्ड कर्जन भी हो सकते हैं, लॉर्ड लिप्टन भी हो सकते हैं। हम रुकेंगे उन लोगों के लिए जिन्होंने थोड़ा सा एक्स्ट्रा टाइम मांगा है। और आप चाहें तो कोई गलत उत्तर हटा भी सकते हैं।
समय समाप्त हुआ। लॉर्ड रिपन इसका सही जवाब है 685 लोग सही साबित हुए, 188 रिवाइव कार्ड इस्तेमाल हुए और 228 लोग गलत साबित हुए। आपको पता है लॉर्ड रिपन ने कितने ज़्यादा सुधार किए थे? इंडिया के वो वायसराय रहे थे जिस वक्त कहा जाता है हिंदुस्तान जब गुलाम था, तो 1880 से लेकर 1884 तक वो वायसराय रहे थे। उस वक्त का सर्वोच्च पद, जिस तरह से आज हमारे सर्वोच्च पद देश का राष्ट्रपति है, तो उस वायसराय होता था। और आपको एक और खास बात बताता हूँ, गुलामी के वक्त में वायसराय जो पद था वही आज रूपांतरित करते हुए राष्ट्रपति के पास में आया। जिस तरह से आज के टाइम पे अगर किसी की फांसी को माफ करना हो तो उस वक्त वायसराय माफ करता था, आज राष्ट्रपति चाहे तो माफ कर सकता है। बढ़ता हूं आज के उस महा मेगा बम्पर सवाल की ओर, जिसे अगर आपने ठीक से खेल लिया तो आप यहां से कम इतना अमाउंट तो लेकर ही जाएंगे कि आज रात आप जाके अच्छी खासी मस्ती कर सकते हैं। वेल, अब आने जा रहा है अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर। Brown waterfalls are situated in, your options are Australia, New Zealand या फिर Canada. Brown waterfalls, जल प्रवाह, brown, भूरा. Brown waterfalls कहाँ पर है? क्या वो Australia में है? क्या वो New Zealand में है? क्या वो Canada में है? कहाँ हो सकता है? अपनी कल्पना के घोड़ों को दौड़ा दीजिए। अगर नहीं पता तो बस आंख बंद करके आप कहीं भी क्लिक कीजिए, लेकिन अपनी लाइफलाइन का इस्तेमाल जरूर कीजिएगा। लाइफलाइन का इस्तेमाल करेंगे तो हो सकता है आप जीत जाएं। आज का मैं मेगा महा बम्पर शो है। अरे समय समाप्त होता है। न्यूजीलैंड इसका सही उत्तर है 579 लोगों ने सही जवाब दिया, यानी कि 579 और 263 लोग गलत साबित हुए। आपको पता है न्यूजीलैंड कितनी सुंदर जगह है और वहां पर ये जब होता है, जब ये पानी गिरता है तो कितना खूबसूरत लगता है। आप इसे देखिएगा, आपको बड़ा मजा आएगा। तो इस तरह से गिरते संभलते हंसते हंसाते हम अपने सफर को पूरा कर चुके हैं और आज आपको एक अच्छी खासी अमाउंट भी यहां से मिली है। लेकिन अब देर ना करते हुए देखते हैं कौन है वो भाग्यशाली। आइए बढ़ते हैं विक्ट्री वीडियो की ओर। क्या बात है यार, 579 लोग जीते हैं, यानी कि 579 लोग, और सभी को मिलते हैं 172.71 रुपए। बाबा जीत गए, हिमेश जीत गए, सविता भी जीत गई, ईशु भी जीत गई और मिमी 6655 6